खबर यूपी से। यहाँ पर बहराइच से जहाँ भेड़िये ने फिर एक बच्ची को अपना शिकार बना दिया है। भेड़िये ने देर रात 5 साल की बच्ची पर हमला कर दिया। माँ के साथ सो रही बच्ची की गर्दन पर भेड़िये ने हमला किया है। बच्ची के चिल्लाने पर घर वाले जागे और फिर शोर मचाया, जिसके बाद भेड़िये वहां से भाग निकला। हालांकि सवाल उठ रहा है कि इतने कड़े पहरे के बावजूद कैसे भेड़िया अपने मकसद में कामयाब हो रहा है। इस खबर पर पूरी अपडेट के साथ जी मीडिया संवाददाता विशाल रघुवंशी हमारे साथ है। विशाल, क्या ताजा अपडेट है? अभी भी भेड़िया पकड़ में नहीं आ रहा और बच्चियों को और खासतौर पर छोटे बच्चों को निशाना बना रहा है। बहराइच में आदमखोर भेड़िये का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है और अब ये आतंक 35 गांव से बढ़कर 52 गांव तक पहुंच गया है। परसों रात में हुए हमले और कल देर रात हुए हमले में एक चीज जो सामने आई वो ये थी कि जो भेड़ियों की लोकेशन थी वो करीब 40 किलोमीटर दूर दिखाई पड़ी। ऐसे में अलग अलग हुए हमलों की जो दूरी थी वो करीब 40 किलोमीटर के आसपास थी। हम जहां पर मौजूद हैं यहां पर कल देर रात हमला हुआ था। इसी घर में अफसाना नाम की जो बच्ची थी वो सो रही थी अपनी दादी के साथ और तभी भेड़िये ने यहां पर आकर अटैक किया था। खास बात यह है कि करीब 2.5 महीने पहले भी एक भेड़िया इसी घनी आबादी के बीच में आकर एक व्यक्ति के ऊपर हमला कर चुका है। ऐसे में अब 2.5 महीने के बाद दोबारा से उस भेड़िये ने यहाँ पर आकर हमला किया या कोई और अन्य भेड़िया था जो कल यहाँ पर पहुँचा था। इसके साथ साथ एक बड़ा सवाल ये भी है कि जो दूसरा भेड़िया है वो जो है कहाँ पर है, और इसके साथ साथ जो परसों की लोकेशन थी वो इस गांव से अगर हम बात करें तो इन खेतों से अगर रास्ते की बात करें तो करीब 40 किलोमीटर दूर जो दूसरी लोकेशन है जहां पर परसों रात पर हमला हुआ था। ऐसे में क्या ये दो अलग अलग भेड़िये हैं या एक ही भेड़िये ने इतनी दूरी तय कर ली है, इसको लेकर लगातार जो है वन विभाग और जो टीमें हैं वो अब जांच कर रही हैं, क्योंकि लगातार दोनों भेड़ियों की जो लोकेशन है पिछले 4 से 5 दिन में एक साथ नहीं दिखाई पड़ी है। लेकिन हमले लगातार हो रहे हैं और अब इन हमलों के पीछे कितने भेड़ियों की संख्या है इसके बारे में पता लगाया जा रहा है। और ये भी पता लगाया जा रहा है कि क्या ये संभव है कि एक भेड़िया जो परसों 40 किलोमीटर दूर था वो कल देर रात यहाँ पर पहुँचता है और यहाँ पर पहुँच कर ये इस गांव में सो रही एक बच्ची पर हमला करता है। तो इन्हीं सब तमाम सवालों के जो जवाब हैं वो तलाशे जा रहे हैं और लगातार भेड़ियों की खोज जारी है।